आलू सबको बहुत ही पसंद होता है, चाहे वो बड़े हों छोटे हों। आज हम आलू को बिल्कुल अलग और नए तरीके से बनाएंगे, जिससे कि इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और ये तरीका भी आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये आलू, ये हमने 3 आलू लिए हैं और ये कच्चे आलू हैं और ये ग्राम के हिसाब से ना आधा किलो से थोड़े कम है, क्योंकि थोड़े बड़े साइज के आलू हैं। पहले तो इन्हें हम छील कर तैयार कर लेंगे। देखिए आलूओं को छील लिया, अब काट कर भी तैयार कर लेते हैं। पहले इसके 2 भाग करेंगे, 1 भाग और कर लेते हैं। देखिए बड़ा आलू है तो इसमें से मैं 3 बारी काट लेती हूँ। इसी ढंग से सभी आलूओं को हम काट कर तैयार कर लेंगे। आलू को हमने काट लिया है, देखिए ना तो ज़्यादा बड़ा काटा है और ना ही ज़्यादा छोटा। 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं क्योंकि इसमें स्टार्च होता है। हम इस रेसिपी को बनाएंगे स्मोक मस्टर्ड ऑयल में। मैंने सरसों के तेल को तेज गर्म कर ठंडा कर लिया था, मैं उसमें सब्जी बनाऊंगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, थोड़ा सा डालें, उसे गर्म कर लें। जैसे ये गर्म हो जाएगा, जो आलू हमने धो के रखे हैं ना, उनको इसमें पहले डाल देते हैं। गैस को कर देंगे तेज। देखिए तेज गैस पर ही अलट के पलट हुए इन आलूओं को हमने थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेना है, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है और सब बहुत ही तेज से खाते हैं। 5 मिनट ही हमने तेज गैस पर करा है तो इसमें हल्की हल्के सा कलर आना शुरू हो गया है। बस अभी इतना ही करना है क्योंकि ये बाद में पकेंगे। ऑयल झाड़ कर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में 2 चुटकी हींग डाल देते हैं। मैंने लिया था 1/2 टीस्पून के करीब ना साबुत सूखा धनिया, जिसे ना थोड़ा सा क्रश कर लिया है, बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और डाल देते हैं 1 टीस्पून जीरा, अच्छे से फूलने दें। 1 प्याज को मैंने पतला और लंबा काटा है, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। 2 सूखी लाल मिर्ची डाल रही हूँ, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और ये देखिए इसके बीज है ना, इनको हटा दिया है जो झड़ रहे थे। थोड़ा सा लिया था अदरक का टुकड़ा, उसे भी पतला लंबा काटा है। अब भून लें सब चीजों को। प्याज को भी ना हमने चलाते चलाते भून लिया है। अब इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, इसे भी थोड़ा सा चलाएंगे। अब डालेंगे कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची, और ये थोड़ी तीखी वाली है, आप चाहे तो कम तीखी वाली का भी यूज कर सकते हैं। और डाल देते हैं नमक, आप स्वाद अनुसार डालें। मैं 1 टीस्पून ही नमक डाल रही हूँ। अच्छे से मसालों को मिक्स कर दें। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। देखिए 2 छोटे टमाटर को मैंने छोटा छोटा काट के इसमें डाल दिया है, इसे भी मिक्स कर दें। इसके साथ ही हम आलू को भी डाल देते हैं, इसे भी मिक्स कर दें। अब गैस को स्लो करके इसको ढककर पकाएंगे, जो आलू है वो अच्छे से पहले गल जाए। आज मेरे पास था बहुत छोटा सा फूल गोभी का और सबको फ्लेवर चाहिए था आलूओं में गोभी का, तो मैंने क्या करा, अच्छे से उस धोकर तो उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, जिससे कि आलूओं में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा पूरी गोभी का। तो 7-8 मिनट इसको हमने ना ढककर पका लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे। एक बार बीच में चला दिया था, ये देखिए जो आलू है ना हमारे सॉफ्ट होने शुरू हो गए। अब हमने क्या करना है, अब इसमें इस गोभी को भी डाल दो। पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स करें। हरी मिर्ची को भी मैंने इसमें काट के डाल दिया है। देखिए मिर्ची जो है ना कम ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, 1/4 कप।
बहुत अच्छे से मिक्स कर दें, क्योंकि हमने इस गोभी को भी गलाना है। आप चाहें तो गोभी को कद्दूकस करके भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारीक वाली साइड से ना करें। और हाँ, वॉश करने के बाद ही कद्दूकस करें, कद्दूकस करने के बाद या चॉप करने के बाद इसे वॉश नहीं करना। अब गैस को लो मीडियम कर इसको हम ढक देते हैं 7 से 8 मिनट तक। 8 मिनट हो गए इसे पकते हुए, इसे हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा चला दें, देखिए आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सब्जी मसाला। आपके पास सब्जी मसाला नहीं है तो गरम मसाला डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डाल रही हूँ कसूरी मेथी। देखिए जो मैंने टमाटर डाले थे वो छोटे छोटे थे और 2 थे, इसलिए मैं इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप 1/2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें। देखिए जो हमने मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से इसमें समा जाएं। मिक्स तो हमने कर दिया है, अभी गैस को स्लो कर 2-3 मिनट और ढक देते हैं। 3 मिनट और पका लिया है हमने, अब डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस को कर देंगे बंद। आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, आप इसे परांठे के साथ खा सकते हैं, आप इसे पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहें तो इसे टिफिन में भी दे सकते हैं। अगर आप इस तरीके से गोभी आलू बनाएंगे ना, सबको बहुत ही पसंद आएंगे और टेस्टी भी बहुत लगेंगे। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।